बे गिला हूँ मैं अब बहुत दिन से। वो परेशान हो गई। नवंबर 2002 को जॉन एलिया की जिंदगी का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन नसर व नजब की आठ सूरत में इनकी तहरीरें और शायरी आज भी पढ़ने वाले को सरशार कर देती हैं। जॉन एलिया को एक दार शिकन, मुनफरिद और बागी कहा जाता है। इनका हुलिया, तर्ज जिंदगी और जिंदगी से लाउबाली रवैये भी बताते हैं कि वो बागी भी थे और अकदार शिकन भी, लेकिन इनका कमाल ये है, उन्होंने इस तर्ज जिंदगी को अपने फन की शक्ल में ऐसे पेश किया कि शख्स और शायर एक हो गए। जब तेरी जान हो गई होगी, वो जान हैरान हो गई होगी। शब्ता मेरी निगाह का बोझ उस पर, शब्ता मेरी निगाह का बोझ उस पर, मैं वो तो हलकान हो गई। इनका बाखियाना रवैया हर जगह नजर आता है। वो अपनी शायरी में ऐसे सवाल उठाते हैं जो शायद पहले नहीं उठाए गए। जॉन एलिया की इनफरादियत ये है कि उन्होंने किसी हद तक नजरअंदाज रोमानवी मजामीन को दोबारा अपनी गजल का मौजू जरूरत बनाया, लेकिन वो रवायत के रंग में नहीं रंगे, बल्कि उन्होंने इस कदीम मौजू को ऐसे मुनफरिद अंदाज से बरता कि इनकी आवाज पुरानी होने के साथ साथ बैक वक्त नई भी महसूस हुई। उसके कूचे में आई थी शीरिन, उसके कूचे में आई थी शीरी, उसकी दरबान हो गई होगी। जॉन एलिया के मौजू अंदाज और असलूब के लिहाज से भी चौंका देने वाले हैं। उन्होंने जो बेतकल्लुफाना और लॉक लेपर से पाक अंदाज महबूब से अपना रखा था, दूसरे मौजूद को भी इसी तरह बढ़ता। वफा के जिक्र पर यूं भड़क जाने वाले जॉन एलिया के इंतकाल को 15 बरस बीत चुके हैं, लेकिन इनकी शायरी, गजल और तहरीरें हमेशा जिक्र लब है। कम सिनी में बहुत शरीर थी वो, क्या कहना, कम सिनी में बहुत शरीर थी वो, अब तो शैतान हो गई होगी।